समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए EWS आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसमें SC ST OBC के साथ साथ जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को भी शामिल किया गया था, लेकिन यही बात विवाद की वजह बन गई और इससे जुड़े प्रावधानों को अदालत में चुनौती दे दी गई। इससे लेकर कोर्ट को ये दलीलें दी गई कि सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देना संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है। इस आरक्षण के खिलाफ 40 याचिकाएं भी दी गई थी। ऐसे में लंबी कानूनी लड़ाई भी अंजाम तक पहुंची है। इस लंबी बहस के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जनरल कैटेगरी के आरक्षण के लिए वो ऐतिहासिक फैसला। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ महीने पहले जब जनवरी में मोदी सरकार ने जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर EWS लोगों को 10% आरक्षण देने का विधेयक संसद से पारित कराया था, तो उसी वक्त यह तय हो गया था कि मोदी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है, जिस पर राजनीतिक दलों से लेकर कानूनविद सवाल उठेंगे। अब करीब 46 महीने बाद उसकी संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के फैसले के साथ मुहर लगा दी है। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ में से 3 ने EWS आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है, यानी देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण नौकरी और शिक्षा क्षेत्र में जारी रहेगा। ऐसे में इस फैसले के लिए किसे फायदा मिलेगा और कौन इसके लिए पात्र है, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस फैसले से मेरिट सिस्टम में क्या बदलाव आएगा और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लिस्ट पर किस तरह का असर होगा। और तीसरा सबसे अहम सवाल है कि इस फैसले का भारत की आरक्षण राजनीति पर क्या असर होगा। तो आइए आपको इन तीनों सवालों के जवाब विस्तार से देते हैं। क्योंकि यह आरक्षण जाति के आधार पर नहीं है, ऐसे में EWS कोटा के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान सभी धर्मों के गरीब तबके को मिलेगा। इसमें हिंदू के अलावा मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि भी शामिल होंगे। आरक्षण का पैमाना सामान्य वर्ग के परिवार की आय से तय होगा। इसमें ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से हुई आय को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा EWS के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक साइज की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। इसी तरह परिवार के पास 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक के आवासीय फ्लैट का मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 100 गज से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, जबकि गैर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 200 गज से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए।